सामान्य अध्ययन की जो फर्स्ट पेपर है 50 अंकों की, जहाँ पे सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर, समसामयिक की तार्किक क्षमता शक्ति के साथ मैं दुर्गेश जायसवाल इन लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क एज ए गेस्ट के रूप में आपके साथ 9:30 बजे लाइव हूँ। आप भी कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि ये क्लास आपके सिलेक्शन वाली क्लास है। हमारा पूरा उद्देश्य है आपको हर हाल में इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन दिलाना। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साथ ही साथ इन लर्निंग विद दुर्गेश के क्लास में अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि यह क्लास आपके जीवन के लिए एक यादगार क्लासों में से एक होगी। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है कि विश्व में सबसे अधिक भारी धातु कौन सी है। तो बिना समय गंवाए आप जवाब दीजिएगा कि सबसे भारी धातु कौन सी है। एकदम आसान, जहां पर आपको सामान्य विज्ञान, सामान्य जीएस, समसामयिकी, रजनी की वो सिलेक्टेड प्रश्न है जहां से परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। अगर आप एक सीट के लिए पढ़ रहे हैं अब की बार नौकरी हमार, तो ये वीडियो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बड़ा होगा क्योंकि हम तथ्यों को विस्तृत व्याख्या करेंगे। केवल प्रश्न का उत्तर बता देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हमें हर चीज को आराम से विस्तृत रूप में अध्ययन करना होगा, क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि रेस के घोड़े ही तो रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। तो चलिए, यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर आप लोगों ने एकदम सही बताया है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ओसामियम। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ओसामियम होगा। आइए जानते हैं कि ओसामियम इस प्रश्न का उत्तर कैसे होगा। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बताया है, हम भी देखेंगे ओसामियम इस प्रश्न का उत्तर कैसे होगा। देखिए, यहाँ पर सबसे हल्का धातु पूछेगा, सबसे हल्का, अगर यहाँ पर सबसे हल्का पूछता तो क्या होता, कोई कमेंट करके बताएं। अगर सबसे हल्का पूछा जाता तो लिथियम है। क्या है? लिथियम। लिथियम सबसे हल्का जो तत्व है, धात्विक तत्व है, वो लिथियम है। सबसे भारी ओसियम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर प्लूटोनियम है। तो जो प्लूटोनियम होता है ये एक भारी रेडियो सक्रिय है, ये एक भारी रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। कुछ लोग यूरेनियम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यूरेनियम वाले जो लोग यूरेनियम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यूरेनियम क्या है? ये एक दुर्लभ तत्व है और यह प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे हम यूरेनियम ये आशा धातु भी कहा जाता है, इसे मेटल होप कहते हैं। इरिडियम क्या होता है? इरिडियम धातुओं के प्लेटिनियम समूह का एक सदस्य होता है। इरिडियम का संकेत IR होता है। ये कठोर धातु होती है, ये कठोर धातु होती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपको सी होगा। लेकिन हमने यहाँ पर एक साथ आपके कई प्रश्न तैयार करा दिए। अगर आप इन लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव वीडियो को देख रहे होंगे, आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा हमने आपके कितने प्रश्न बैंक को तैयार करा दिया। क्लियर हुआ सबको? यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि ओसिनियम, इसको कहते हैं ओएस, ठीक है, यह सबसे भारी धातु, सबसे हल्की लिथियम है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर दो आपको कमेंट करके बताना है। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, BSNL के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके सिलेबस में करंट अवेयरनेस भी है। जी हाँ, इसलिए इसको पूरा एकदम आपके पाठ्यक्रम के आधार पर बनाया गया है। फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप साइंस सेक्शन से हो, चाहे आप आर्ट सेक्शन से हो, ये सभी के लिए आपके कॉमन है। ठीक, सभी के लिए कॉमन है। तो जल्दी से बताइएगा कि BSNL का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। वैसे मैं सबका बताता चल रहा हूं। देखिए, BSNL का जो ब्रांड एम्बेसडर है वह विश्व चैंपियन, 5 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम को BSNL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ए इसका राइट आंसर है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, वीडियो एकदम साफ HD में चल रहा है। अगर आपने साफ नहीं चल रहा है, वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा। कृत्रिम सेन ये बाटा कंपनी की, ये किसकी है? ये बाटा कंपनी, लिख लीजिएगा, ये बाटा कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है। इलियान डिक्रूज किसके हैं? ये है टूरिज्म, ये किसके लिए हैं? ये फिजी टूरिज्म के हैं। ये किसके हैं? फिजी टूरिज्म, ध्यान से लिखिएगा, ये टूरिज्म किसके हैं? ये टूरिज्म के हैं। अब ए आर रहमान किसके हैं? सिक्किम के। ये किसके हैं? ये सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर है। हमने चारों को आपको विस्तृत रूप में लिखवा दिया कि इसके चारों का ब्रांड एम्बेसडर अगर आपके परीक्षा में आएगा तो आपको कैसे हल करना है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ये देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं जल्दी जल्दी कॉमेंट करिएगा। कॉमेंट इसलिए, अगर आप परीक्षा हाल में हुए तो आप प्रश्न का जवाब कैसे देते, बस वही आपको यहाँ पे बताना है कि समय आप अपने आप को परीक्षा हाल में समझकर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
जी हाँ, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर दिया है, आइए हम इसके बारे में विस्तृत व्याख्या करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा उष्णाद्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। कैसे? देखिए, इन वनों में साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, शाखू, बरहर, आंवला, हल्टू आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ये भारत में लगभग 220 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में अगर देखा जाए। और ये पर्वतीय वन जो होते हैं, ये पर्वत पर उगते हैं। इसका विस्तार असम से कश्मीर तक है। हिमालय पर 1500 मीटर तक ऊंचाई पर सदाबहार और पतझड़ वन पाए जाते हैं। लेकिन इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प होगा डी, आपका राइट आंसर। ये 50 प्रश्नों की आपकी बड़ी सीरीज है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार 50 का डोज परीक्षा का तोड़। जी हाँ, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप कर सकते हैं। ये फर्स्ट पेपर का है, फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन और अनिवार्य है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक्स किरणों की खोज किसने किया था? जी हाँ, प्रश्न नंबर 4 आपके लिए है। जितने लोग सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताएं। वीडियो एकदम साफ HD चल रहा है, जिसका साफ नहीं चल रहा है वो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। एक्स किरण की खोज किसने किया था, वैसे हम इसके चारों विकल्प की व्याख्या करेंगे। जी हाँ, एक्स किरण की खोज रुटजन ने किया था। किसने किया था? रुटजन महोदय ने किया था। ठीक, यह इन्हें 1895 में इसकी खोज की थी। एक्स किरण प्रयोग चिकित्सीय क्षेत्र में किया जाता है। चलिए, इंटरनेट क्या है? आपके सिलेबस में कंप्यूटर भी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग को सरकारी शिक्षक बनना है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। एक बार आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है उसके बच्चे ऊंचाई पर जाएं, और यह वीडियो भेजकर उनके सपनों को साकार करने में आप एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो मैं बार बार कहना मुझे बुरा लगता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट ये विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल कनेक्शन होता है। ये विभिन्न प्रकार के नेटवर्क का एक विशाल कनेक्शन होता है। ये विश्वव्यापी जाल होता है जिसे संचार माध्यमों द्वारा अनुपालन करते हैं, एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। हम और आप एक दूसरे के साथ जुड़कर पढ़ पा रहे हैं, ये किसका देन है? ये इंटरनेट की देन है। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को दिख रहा होगा कि सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है वो निम्नलिखित में से। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, यहाँ पर जो आपके सामने अशोक स्तंभ दिख रहा है, जरा कमेंट करके बताइएगा कि यह अशोक स्तंभ निम्नलिखित में से कौन सा चित्र नहीं है। एकदम इंपॉर्टेंट, यह आपके पाठ्यक्रम में है, यह आपके सिलेबस में है। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से जरा कमेंट करके बताएं कि जो अशोक स्तंभ है इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है, कौन सा नहीं है? 3 है और 1 नहीं है, बस आपको कमेंट करके यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। देखिए, यहां पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सारनाथ के अशोक स्तंभ में हाथी है, ध्यान से देखिएगा, सिंह है, घोड़ा है, हिरण नहीं है, हिरण नहीं है वहां पर, हिरण जगह क्या है? वृषभ है, वृषभ है, माने ये गलत है, ये नहीं है। महावंश ग्रंथ में इन्हें चतुष्पद पंक्ति कहा गया है, इन्हें क्या कहा गया है? हाथी, घोड़ा, सिंह और वृषभ को महावंश में, महावंश एक ग्रंथ है, महावंश ग्रंथ में इन्हें क्या कहा गया? चतुष्पद पंक्ति कहा गया है। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, आपके सिलेबस में है। ठीक, किसे इन चारों को कहा गया है? अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। IPL सीजन 2019 के चेन्नई सुपर किंग टीम के अगुवाई किसने किया था? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद जवाब देंगे, मतलब इसका कैप्टन कौन था, सभी लोग जवाब दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर आपके सिलेबस में करंट अवेयरनेस है और समसामयिकी भी है, GS भी है, कंप्यूटर भी है, सामान्य विज्ञान भी है, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए, डेविड मिलर जो है ये किंग्स इलेवन के एक खिलाड़ी थे, किंग्स इलेवन के एक खिलाड़ी थे। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन ऑफ द टीम चेन्नई सुपर किंग, रोहित शर्मा मुंबई इंडियन। एकदम व्याख्यात्मक हल वाली क्लास है। जी हाँ,
एकदम व्याख्यात्मक 9:30 लेनी भी दुर्गेश पर लाइव चलती है। विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ये कप्तान थे। सबको समझ में आ गया, मैंने चारों विकल्प की व्याख्या की, यह आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और इसे नोट डाउन करते चलिएगा। एक नोट्स तैयार होगी जो परीक्षा के समय आपके सबसे ज्यादा योगदान देगी। अगला है आपके सामने पंडित, ध्यान से देखिएगा, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं आप ये समझिएगा परीक्षा हाल में बैठे हैं और ये 50 प्रश्न आपके सामने बारी बारी से आ रहे हैं, आपको जवाब देना है पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। पंडित रविशंकर जी किस वाद्य यंत्र से? वो सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक थे। इन्हें 3 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला है। कितनी बार? 3 बार। जी हाँ, इन्हें कितनी बार? 3 बार, 3 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि बांसुरी की बात किया जाए तो ये हरि प्रसाद चौरसिया है। कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया है, चेतन जोशी हैं। अगर तबला वादक की बात की जाए, ठीक है, तबला वादक में जाकिर हुसैन है, किशन महराज है, देखिए जाकिर हुसैन है, ठीक, पंडित किशन महराज है। अगर वायलिन की बात करी जाए तो गोपाल कृष्णन है, वीवी रवि है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए राइट आंसर होगा। हम आगे चलते हैं, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? सभी लोग जवाब जरूर देंगे। यह सामान्य दिन जीएस फर्स्ट शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर का सभी के लिए अनिवार्य पेपर है, चाहे साइंस वर्ग से हो, गणित वर्ग से हो, भाषा वर्ग से हो, सामाजिक विज्ञान वर्ग से हो, सभी को यह पेपर हल करना है, स्कोर करना है, यही आपको सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार होगा। तो जल्दी से मेरे प्यारे शिक्षक साथियों कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा, इसमें से क्या सही है, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? तो जी हाँ, हुमायूं का मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बेगम द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? हमीदा बानो बेगम के द्वारा। कब? 1562 में बनवाया गया। इस भवन के निर्माणकर्ता वास्तुकार जो थे सैयद मुबारक इब्न मिराल गियादुद्दीन थे। इस इमारत में लगभग 8 वर्ष बनकर तैयार हुआ। ठीक, चलिए अब आता है बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ है, किसी को पता है? आगरा में दफनाया गया, लेकिन 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने उनकी अंतिम इच्छा हेतु उन्हें काबुल में दफनाया। देखिए, जो बाबर का मकबरा है, बाबर का मकबरा लिखना चाहे लिख लीजिएगा, बाबर का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? ये पहले आगरा में था। कहाँ पर था? आगरा में। लेकिन 9 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद उनके पुत्र हुमायूं ने इन्हें कहाँ? काबुल ले जाके दफनाया। कहां पर? काबुल ले जाके दफनाया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर अकबर की बात की जाए, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। कहां पर है? सिकंदरा में है। सिकंदरा कहां है? आगरा के पास है, आगरा के पास है। अकबर ने स्वयं अपने मकबरे का निर्माण करवाया था। इसमें से दिए गए प्रश्न में आपको एक बात पता होना चाहिए कि अकबर एक ऐसा व्यक्ति था जो जीवित रहते ही अपने मकबरे का निर्माण करवा लिया था। बाकी जितने लोग हैं, ठीक, आपको मैं उम्मीद करता हूं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक, हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी लोग जवाब देंगे, जितने भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब की बार एक सीट हमार, जी हाँ, क्लास की पीडीएफ भी आपको डेली क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगा। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा पर्यावरण सुरक्षा को लेकर। पर्यावरण आपके पाठ्यक्रम में है तो टायलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा में दिया जाता है। यह 2018 में पाल फालोस्की को दिया गया था। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको शायद दिखाई भी दे रहा होगा और मेरी आवाज आपको सुनाई भी दे रही होगी। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। अब की बार एक सीट हमार, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लगा दीजिए दम अपना, क्योंकि फतह करना है। और बताइए आपके 50 में कितने सही हुए।
गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा इसकी रचना की गई है। मुंशी प्रेमचंद ये कथन है कि मैं कलम का सिपाही हूं, मैं जब तक अपनी मजदूरी न कर लूं, मैं कलम का मजदूर हूं, तब तक मुझे रोटी खाने का कोई अधिकार नहीं है। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है और ये उपन्यास, अगर महादेवी वर्मा की बात की जाए, कुछ लोग महादेवी वर्मा बता रहे, इनकी प्रमुख रचना अगर आप लिखना चाहते लिख लीजिएगा, क्या है? अतीत के चलचित्र। जी हाँ, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। इनकी प्रमुख रचना है गिल्लू, बहुत इंपॉर्टेंट है गिल्लू, अपने पढ़ा है दीपशिखा। जी हाँ, दीपशिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी। और क्या है? अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र ये फर्स्ट पेपर में है। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये इनकी रचना। अगर देखा जाए, ये निबंधकार भी थे। इनका है रेणुका, हमने आज भी हमें याद है रेणुका, हुकार, रेती के फूल, रेती के फूल, ये इनकी प्रमुख रचना है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी, अगर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बात की जाए तो इनकी रचना है बंकठेर बिल। इनकी रचना है कौन सा? बंकठेर बिल। तो मुझे लग रहा है इससे बेहतर अगर आपको कोई YouTube पे पढ़ा दे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मेरा उद्देश्य है गिल्लू, यामा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, निहार, निर्जा। जी हाँ, बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। मेरा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। संप्रीति 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था? जी हाँ, यहां पर हम चारों विकल्प की बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह होगा भारत और बांग्लादेश। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभास 2018 हुआ था। क्या हुआ था? युद्धाभास 2018 हुआ था। चीन और भारत की बात कीजिए, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, चीन और पाकिस्तान के बीच वारियर, वारियर 6 2018। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह डी का राइट आंसर होगा, डी प्रश्न का सही जवाब होगा। हम चारों प्रश्न की व्याख्या कर रहे हैं, सही है ना, कि हम शॉर्टकट में पढ़ाते चले, विकल्प का उत्तर बताए आगे बढ़े, विकल्प उत्तर बताए आगे बढ़े, क्योंकि जो भी प्रश्न आए लेकिन जिसकी व्याख्या है वो जरूर आपकी परीक्षा में आएगी, 100% इस बात की गारंटी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 13, संसद के सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर अगर संसद की जगह अगर विधानसभा देता, अगर इसके संसद की जगह यहां पर अगर विधानसभा देता तब भी इसका उत्तर सेम आएगा। तो जल्दी से प्रश्न नंबर 13 का जवाब दीजिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को फेसबुक पेज इलनी बुद्रगेश या यूट्यूब चैनल इलनी बुद्रगेश पर निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, सभी साथी कॉमेंट जरूर करेंगे। जी हाँ, सभी साथी जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया, ईश्वर करे अगली शिक्षक भर्ती में उनका एक स्थान जरूर फिक्स हो, क्योंकि अच्छे लोग अच्छे जगह जरूर जाएंगे, जितने मेहनती लोग हैं। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपने एकदम सही बताया है कि राष्ट्रपति कम से कम लोकसभा का अधिवेशन या विधानसभा का अधिवेशन एक वर्ष में न्यूनतम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। एक बैठक के अलावा एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि लोकसभा या विधानसभा का एक साल में कितने सत्र आहूत किए जा सकते हैं। और याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न नंबर 14 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। केंद्र सरकार की ओर से भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके जवाब देंगे। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, चाहे जहां इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा, बताइए से पहले फटाफट कमेंट करके। देखिए, एकदम आसान है, केंद्र सरकार की ओर से भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, इसे आरबीआई कहते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं, आरबीआई भारत में केंद्रीय बैंक है,
ये मौद्रिक जो साख नीति आरबीआई द्वारा बनाई जाती है, और 1 रुपए का जो नोट है वो वित्त मंत्रालय, कितने का? 1 रुपए का। ध्यान से देखिएगा, जो 1 रुपए का नोट या सिक्का होता है, 1 रुपया का नोट या सिक्का कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। अब प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अब की बार एक सेट हमारा, ठीक ध्यान से देखिएगा, भारत की निम्न नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? जल्दी से कमेंट करिएगा, बताइए, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए आइए इस बारे में पूरा अच्छी तरह से बात करते हैं। मैं एक छोटा सा मैप बनाना चाहूंगा, सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। गंगा, गोदावरी और ताप्ती महानदी, ध्यान से देखिएगा आप सभी साथी। जैसे ये हमारा भारत हो गया, माना ये हमारा भारत है, तो भारत में अगर अरब, यहाँ पे अरब सागर है, कौन सा? ये अरब सागर है। अरब सागर में गिरती है यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा व ताप्ती, ऐसी दो नदियाँ हैं जो जिनका जल अरब सागर में गिरती हैं। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये नदियाँ क्या होती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती। जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वे सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। माने जो नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती हैं, वे सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन जो पूर्व से पश्चिम जाती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इसलिए यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां प्राय डेल्टा का निर्माण नहीं करती, लेकिन बंगाली खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब हम गंगा नदी की बात करते हैं। देखिए गंगा नदी डेल्टा बनाती किसके साथ? आइए गंगा नदी के बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए ध्यान से एकदम देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये क्लासेज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए यहाँ पे गंगा नदी की बात कर रहा हूँ मैं, गंगा नदी यहाँ से निकलती है, ये उत्तराखंड के पास है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है आप लोग को पता होगा, गंगा नदी कहाँ से निकलती है कमेंट करके बताइएगा। जैसे गंगा नदी यहाँ से आ रही है, ठीक इधर से आती है अलकनंदा ना, इधर से आती है भागीरथी, भागीरथी इधर से अलकनंदा होती है, अलकनंदा, ये दोनों मिलते हैं कहाँ पर पता है? यहाँ पर, यह है हरिद्वार। ये क्या है आपका? ये है आपका हरिद्वार। इस हरिद्वार को, यहाँ को मिलन को कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। ठीक है, इस देवप्रयाग से इसका नाम होता है गंगा। क्या होता है? गंगा। ध्यान से देखिएगा, गंगा का नामकरण कहाँ से होता है? तो यहाँ से होता है, और गंगा यहाँ से 5 राज्यों से होकर जाती है। कितने में? 5 राज्यों से जाती है। इस 5 राज्यों में इसकी जो दूरी होती है वो 2525 किलोमीटर दूरी होती है। इनमें से सबसे लंबी दूरी, ठीक ध्यान से देखिएगा, सबसे लंबी दूरी की बात की जाए तो गंगा यूपी में लगभग 1000 किलोमीटर लंबी यात्रा करती है, जबकि अगर झारखंड की बात की जाए तो लगभग 40 किलोमीटर लंबी यात्रा करती है। इस प्रकार यहाँ पहुँचने के बाद ये 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है, एक का नाम होता है हुगली, दूसरे का नाम भागीरथी। ये यहाँ पर आती है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या होता है? पद्मा। लेकिन पद्मा के साथ साथ एक और नदी को मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, एक नदी और आपकी निकलती है यहाँ से, ये है आपका तिब्बत। तिब्बत का जो पठार है, यहाँ से एक नदी निकलती है सांगपो नाम से। किस नाम से? सांगपो नाम से निकलती है, सांगपो। कौन सी? सांगपो। सांगपो नदी यहाँ पे आते भारत में प्रवेश करती है, जब भारत में प्रवेश करती है वहाँ पे दिहांग गार्ज बनता है। क्या बनता है? दिहांग गार्ज बनता है, और यहाँ पर इसे कहते हैं दिहांग नदी। कौन सी नदी कहते हैं? दिहांग नदी कहते हैं। लेकिन दिहांग नदी थोड़ा सा ये
अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहते हैं, लेकिन और आगे आती है तो पहुंचती है असम में। जब ये असम में पहुंचती है तो इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यहां पे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है, उसका नाम कमेंट करके बताइएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यहां पर बनता है, कमेंट करके बताइएगा। फिर और आगे चलती है, ये और आगे आती है मेघालय में। ये मेघालय में जब पहुंचती है तब इसका नाम जमुना होता है। तब इसका नाम क्या होता है? जमुना। फिर जमुना आने के बाद यहाँ किससे मिलती है? हमने देखा जमुना आने के बाद गंगा से मिल जाती है। गंगा अर्थात यहाँ पर हमने देखा कि गंगा का नाम यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गंगा से मिल जाती है, एक नदी इधर से आती है यहाँ से, इसका नाम है बराक नदी। कौन सी? बराक नदी। अब इनकी जो संयुक्त धारा है इसका नाम हो जाता है मेघना। क्या है? मेघना। और इन मेघना के साथ यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और सुंदरवन जो डेल्टा है यहाँ पर, यहाँ पे मांझली द्वीप है, जी हाँ, नदी द्वीप बनता है असम में ब्रह्मपुत्र पे, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप डेल्टा कहते हैं, और यहाँ से इसका नाम मेघना नदी होता है। तो पद्मा और जमुना के मिलन से मेघना नदी बनती है। तो मैं आप लोग को समझा दिया, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो यार इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। अगर आपको लग रहा मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो लाइक करने के बाद इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर करिएगा। अब की बार एक सीट हमार, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सभी लोग। तो हमने देखा यहाँ पर बंगाल टाइगर पाया जाता है, यहाँ पे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसे सुंदर वन कहते हैं। ठीक है, ठीक। चलिए वीडियो को शेयर जरूर करिए अगर आपको लग रहा है मैंने अच्छा पढ़ाया तब। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। मैंने ये ब्रह्मपुत्र के नाम है, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ये चारों नाम ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग राज्यों में है। जैसे ये है आपके कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र कहाँ पर है? ये असम, इसका नाम है। जमुना कहाँ पर है? मेघालय में है। ठीक, ये इसके नाम अलग अलग राज्यों में किस नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट सभी लोग क्लिक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट क्लिक कर इरेज करने जा रहे हैं हम। चलिए, अब यहाँ पर हमने देखा, हम लोगों ने देखा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, गंगा करती है, गोदावरी करती है, महानदी। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, दक्षिण भारतीय गंगा किसे कहते हैं और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ताप्ती नदी की बात की जाए तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, कोई बता सकता है? सतपुड़ा और अजंता के पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी से निकलती है। भारत की तीन नदियां भ्रंश घाटी से निकलती हैं, एक ताप्ती, दूसरी नर्मदा और तीसरी दामोदर। दामोदर को पश्चिम बंगाल का सोक कहते हैं, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया? चलिए, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। अगला, वर्ष 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप मेजबानी कौन सा देश करेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कोई भी प्रश्न होगा शिक्षक भर्ती संबंधित क्लास के अंत में पूछेगा, अभी केवल पढ़ने पर फोकस करिएगा सभी लोग। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 16 नंबर प्रश्न का। इसका उत्तर होगा, जी हां, भारत। क्या होगा? भारत। देखिए, अगर हम जापान की बात करें तो यहां पर जो जापान है ये 2014 में इसमें मेजबानी किया। ठीक, और आगे चलिए, हम आगे चल रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 17। सभी लोग जवाब दीजिएगा प्रश्न नंबर 17 का, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं। ये वो 50 प्रश्न है जो परीक्षा में हूबहू आएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? देखिए, अगर NH4 की बात करें, NH4 जो है ये कहाँ है? ये ठाणे, पुणे, मुंबई, चेन्नई से ये 1235 किलोमीटर है। NH5 की अगर हम बात करें तो NH5 कोलकाता से चेन्नई तक है, ये 1535 किलोमीटर है। अगर NH10 की बात करें तो दिल्ली से फलजीका तक है, ये कहाँ है? ये दिल्ली से फलजीका, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है ना, ये फलजिका तक है। लेकिन NH44, जी हाँ, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। NH7 के बाद ये बढ़ गया, अब इसका नया है NH44, ये
उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत को श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह आपका बी होगा। अगला, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी मुख्यतः कौन सी गैस है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस कौन सी होगी? चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा सभी साथी। देखिए, ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो 6306344367 पर ले सकते हैं। मेरी क्लास आपको निःशुल्क मिलती है ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से। देखिए, ग्रीन हाउस क्या है, आइए बारे में समझाते हैं ग्रीन हाउस क्या होता है। देखिए, जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, इस पृथ्वी का जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ पे सूर्य किरणें तिरछी पड़ती, कभी पड़ती भी नहीं। यहाँ एक 3,000 मोटी बर्फ की चादर होती है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शीशे का घर बना देते थे। किसका? शीशे का। तो सूर्य से जो किरणें आती थी यहाँ तक, यहाँ पहुंचने के बाद वापस नहीं जाती थी, तो गर्मी से कुछ बर्फ पिघल जाता था, तो छोटी छोटी घासें होती थी। यह प्रभाव जब वायुमंडल में होता है उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार अगर कोई गैस होती है तो सभी गैसें हैं इसमें, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से अगर किसका उत्तरदायी है तो वह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यह पूरे वायुमंडल में 0.03% मात्रा में पाया जाता है। ग्रीन हाउस का प्रमुख कारण यह है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो जी हाँ, उसके अलावा भी कौन कौन सी है जो ग्रीन हाउस का प्रभाव करती हैं। एक है CFC जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। दूसरा CH4, इसे मीथेन या मार्स गैस कहते हैं। ये सड़े गले पदार्थों से निकलता है, जब धान की खेत से, दलदली पुराने कुओं से, या जब पशु जुगाली करते हैं। फिर N2O, इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, ये भी इसे लाफिंग गैस कहते हैं। O3 ओजोन गैस, ये सारी गैसें जो हैं। उसके बाद जलवाष्प, ये सभी क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन गैस फॉर्मूला O3 है। जरा कोई कमेंट करके बताएगा ओजोन गैस की खोज किसने किया था। अब यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन N2 ये पूरे वायुमंडल में 78.08% है, जो सबसे ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो 20.95%, लगभग 21% है। इसे हम प्राणवायु कहते हैं। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, आपका डी या चौथा इसका राइट आंसर है। तो जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा कमेंट करें क्या आप लोग को समझ में आ गया सभी लोग, क्योंकि रेश के घोड़े रेश में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेश के घोड़े हैं। ये वीडियो फेसबुक पेज और यूट्यूब दोनों पर आपके लिए निःशुल्क लाइव है। कर हर हर मैदान फतह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, अगला प्रश्न है, निम्न में नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा। सभी लोग नाबार्ड का फुल फॉर्म बताएंगे। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये 50 नंबर आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। इसकी अगर स्थापना की बात किया जाए तो 12 जुलाई एक प्रश्न आपका आता है, यह 12 जुलाई 1982 एक प्रश्न आपका यहां तैयार हो गया। दूसरा, यह कृषि और ग्रामीण विकास की सहायता करने के लिए RBI ने कृषि साख विभाग, ग्रामीण आयोजन, ऋण कच यू वित्त के लिए एक बैंक बनाया जिसका नाम रखा गया नाबार्ड, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसका मुख्यालय मुंबई है। ज्यादातर बैंकों का मुख्यालय कहां पर, मुंबई में है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की संस्तुति में की गई थी। किसके? शिवरामन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। जल्दी से कमेंट करिएगा, जितने लोग सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं वे जरूर बताएंगे नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा। नेशनल बोर्ड फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसका सही जवाब है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है प्रश्न की विस्तृत व्याख्या करना, ताकि आपको प्रश्न के बदले प्रश्न तैयार हो जाए। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। यह द हेग में है। द हेग कहाँ पे है? यह नीदरलैंड की राजधानी है। यह नीदरलैंड द हेग में है। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो 3 अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में संविधान 5 अध्याय 70 अनुच्छेद है। इसमें कितने हैं? इसके न्यायालय में 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं।
70 अनुच्छेद हैं। अगर न्यायाधीश की संख्या बात की जाए तो 15 है, अगर न्यायाधीश की संख्या किया जाए न्यायाधीश तो कितनी संख्या है 15। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो कितना है कार्यकाल, जितने लोग लाइव हैं जरा कमेंट करके बताएं, जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे कहीं भी देख रहे हैं हमें बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। क्या आप लोग को लग रहा है ये क्लास शेयर करना चाहिए? अगर आप सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया शेयर करिए, यकीन मानिए इससे बेहतर यूट्यूब अगर कोई पढ़ा देगा ना चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये घमंड नहीं ये गर्व है। मैं चाहता हूँ आप अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करें और रेस के घोड़े ही रेस में अच्छे लगते हैं। थैंक यू। देखिए यहाँ पर इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, कितने वर्ष का 9 वर्ष का होता है लिख लीजिएगा, इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है नोट डाउन करके रखिएगा। अब अगला करंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का लक्ष्य क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का लक्ष्य क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। देखिए ग्रामोदय में ग्रामीण आवश्यकताओं जैसे प्राथमिक शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल आवास तथा ग्राम सड़क को पूरा करना, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 21 का ए एकदम राइट आंसर होगा। हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, यकीनन आप सफलता की दहलीज पर नित प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जी हाँ अच्छा नई बैच आपकी 15 फरवरी से, इसकी 15 फरवरी से सारी क्लासेस की सारी बैच आपको स्टार्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है, नहीं एक काम करिएगा सॉरी ध्यान दीजिएगा एक मिनट यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, सॉरी रुक जाइए। देखिए प्रधानमंत्री जो ग्रामोदय योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये ग्रामीण सड़क के पुनर्निर्माण और ग्रामीण जुड़ाव से, इसका डी होगा, ध्यान दीजिएगा ये इसका उत्तर गलत है, इसमें कोई नहीं होगा 21 का, इसमें कोई नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा सड़कों के, ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा सड़कों के पुनर्निर्माण और ग्रामीण जुड़ाव व ग्रामीण जुड़ाव, ये प्राथमिक स्वास्थ्य पेयजल इसके अंतर्गत नहीं आता, प्रधानमंत्री ग्राम योजना इसका डी होगा क्योंकि यहाँ पे इतना ही सही होगा, ठीक है इसलिए इसका होगा डी। ठीक ध्यान से इसको देख लीजिएगा, सॉरी ठीक है मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने लास्ट लाइन देखा ग्राम सड़क योजना पूरा करने का, ठीक है इसका डी होगा। अगला केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए 6,000 रुपये सालाना सहायता राशि तौर पर देने का ऐलान किया है, सरकार ने किसी क्षेत्र के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है, तो ये होगा 1,49,981 करोड़, मतलब इस प्रश्न का उत्तर इसका राइट आंसर है। मैं सभी के प्रश्न का उत्तर लास्ट में दूंगा, अभी मैं केवल क्लास पर फोकस करूंगा, जिसको पढ़ना है वो पढ़े क्योंकि यहाँ पे लोग सिलेक्शन के लिए पढ़ने आए हैं, आपके सवाल अंत में पूछेगा और मेरी व्यक्तिगत आईडी इंस्टाग्राम पर है दुर्गेश्वर, वहाँ पे अपने व्यक्तिगत सवाल पूछ सकते हैं, बाकी क्लास को डिस्टर्ब ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनको और आप लोग को भी। ठीक है अगला है संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बताइए संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, आइए मैं इसके बारे में पूरी विस्तृत व्याख्या करूंगा। देखिए अगर हम यहां पे बात करें तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध आप लोगों ने एकदम सही बताया प्रश्न नंबर 23, ये फुटबॉल से है, पता फुटबॉल से और क्या क्या है, फीफा विश्व कप, मडेका कप, यूरो कप, रोवर्स कप, डोरन कप, इससे है। बास्केटबॉल नहीं, इसका तो चैलेंज कप है, नेहरू कप है, फेडरेशन कप है। ठीक है अब प्रश्न नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए सभी लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं जहां भी देख रहे हैं, गलत या सही जवाब देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सर बार बार कमेंट, मतलब आप परीक्षा हाल में है कि आप परीक्षा हाल के सवाल के जवाब दे रहे हैं, ये आप यूट्यूब पर नहीं पढ़ रहे हैं, ये परीक्षा हाल है आपका और आपकी बार एक सीट हमार। देखिए अगर हम 15 जून की बात करें ना तो 15 जून को कोई विशेष काम नहीं होता, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है क्योंकि जो कर्क रेखा है सूर्य किरणें एकदम सीधी चमकती हैं, 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय
हाँ लिख लीजिएगा, 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, अंतरा राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, और 1 मई को मजदूर दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसी दिन पिता दिवस भी मनाया जाता है, पिता दिवस 21 जून को पिता दिवस भी मनाते हैं। 23 जून को कोई बता सकता है क्या मनाते हैं? अगर यहां मैं जून, मैं यहां पे जून का पूरा लिख दे रहा हूं, जून का ना, तो एक दिन 1 जून को देखिए, 1 जून को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस ना, मैं पूरा पूरा लिख दे रहा हूं। अगर 5 जून की बात की जाए तो पर्यावरण दिवस, क्लियर। 8 जून की बात की जाए तो महासागर दिवस, कौन सा? महासागर दिवस, ठीक। अगर हम 21 जून की बात करें तो पर्यावरण दिवस, 23 जून की बात करें तो ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, लिख लीजिएगा पूरा भैया, ओलंपिक दिवस। 26 जून को ड्रग्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है जी हाँ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 दिसंबर 2014 को, कब? 11 दिसंबर 2014 को यह मान्यता दी कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा दिया क्या? हाँ, मैं प्रश्न को प्रश्न से जोड़ के पढ़ा देता हूँ, यही तो सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार है आपका, ठीक है। चलिए अब बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने है। नवजात शिशु को प्राथमिकता गाय का दूध दिया जाता है क्योंकि वह किसका समृद्ध होता है? गाय का दूध किसका समृद्ध होता है? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा, चाहे आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं भी लाइव देख रहे हैं, जवाब आपका जरूर देना है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ये क्लास बड़ी होती है क्योंकि मैं विस्तृत व्याख्या करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर क्लास बड़ी क्यों होती है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर कोई बता सकता है, लेकिन विस्तृत व्याख्या जरूरी है आपके लिए, सिलेक्शन के लिए। देखिए यहाँ पर होगा विटामिन B12, इसका उत्तर क्या होगा? विटामिन B12 होगा। ये देखते हैं विटामिन B12 कैसे होगा। देखिए विटामिन B12 में ये B6 B12 होता है, इसमें क्या होता है अगर देखा जाए तो B6 भी होता है और B12 भी होता है, B6 और B12 दोनों होता है, ठीक। अब यहां पे एक बात और जानना है आपको, हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, नवजात शिशु को इसमें गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज की मात्रा 4%, वसा की मात्रा भी 4.5% होती है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसका उत्तर क्या हो गया? बी हो गया, क्लियर। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? चलिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी विस्तृत व्याख्या करूंगा। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा आप लोग ना, सभी लोग। एक प्रश्न आ रहा है कि गाय के दूध में विटामिन D होता है ना, यहां पे ध्यान से देखिए प्रश्न को। नवजात शिशु को प्राथमिकता गाय का दूध दिया जाता है क्योंकि यह समृद्ध स्रोत होता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा ना। अब यहां पे प्रश्न था 26, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट है वह संवेग के संरक्षण पर काम करता है, किसमें? संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। रॉकेट से गैस अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है जो रॉकेट को ऊपर की ओर ढकेलती है, ये क्या होती है? ये रॉकेट को ऊपर की ओर क्या करती है? ढकेलती है, ठीक है। रॉकेट को ऊपर उठाने के लिए संवेग प्रदान करती है, यहां पे संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के द्वितीय तृतीय नियम के संयोजन का परिणाम है। अगर इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तु के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो, उस निकाय का कुल संवेग नियत रहेगा, मतलब संरक्षित रहता है। इस कथन को हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। यार आधे प्रश्न हो गए, अब वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोगों ने आधे प्रश्न मैंने करा दिया, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। सभी लोग दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश पे जुड़ जाएंगे। करंट की क्लास सुबह 9:30-6 बजे होगी, डेली करंट अफेयर की क्लास सुबह 6:30 बजे होती है, जिसकी PDF आपको टेलीग्राम पर, इसकी भी PDF टेलीग्राम पर, लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, साथ ही साथ करंट भी आपका तैयार हो जाएगा। देखिए गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से रोशनी चली गई? आपको पता होना चाहिए नाथुराम गोडसे को 30 जनवरी 1948 को,
1948 को नाथुराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इसलिए 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाते हैं। कौन सी दिवस? शहीदी दिवस मनाते हैं। और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। क्या? शहीद दिवस। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसको भी लोग शहीद दिवस ही बोलते हैं, क्योंकि इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया था, इसलिए इसे शहीदी और इसे शहीद दिवस कहते हैं। दोनों का डिफरेंस आप लोग जानते रहिएगा, शहीद दिवस और शहीदी दिवस। लेकिन कुछ कोचिंग संस्थान के लोग या कुछ लोग को नहीं जानकारी होती है तो दोनों को शहीद दिवस पढ़ाते हैं, लेकिन 30 जनवरी को हम शहीदी दिवस कहते हैं, लेकिन 23 मार्च को शहीद दिवस कहते हैं। नाथुराम गोडसे, ठीक, राजगुरु को फांसी दी गई थी, यहां से आप लोग याद रखिएगा। दूसरा, यहां तक आपका कॉन्सेप्ट हुआ ना? अब और आगे देखिएगा कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई, ये कथन किसने कहा था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह बात कहा था। ठीक है, चलिए। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, ये 2 कार्यकाल तक थे। राधाकृष्णन ये उपराष्ट्रपति थे, पहले 2 कार्यकाल तक थे। ठीक है, चलिए। कोई बार बार बीबीए बीकॉम को लेकर प्रश्न पूछ रहा है, इसके पहले मैंने वीडियो डाली है, वहां पे जाकर देख लीजिएगा कि किसको क्या पढ़ना है। यहाँ पे क्लास चल रही है, यहाँ पे केवल क्लास से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। प्रश्न आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2018 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जी हाँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर रोजर फेडरर होगा। क्या होगा? रोजर फेडरर होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कैरोलिन वेल्जियनकी, ये एकल महिला जीता, जिन्होंने 2018 का एकल महिला जीता था। ठीक, ओलिवियर मारक, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष युगल 2018 जीता था। टीमिया बाबोस, ये महिला युगल 2018, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2018 का महिला युगल ये जीती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, चरक सुविख्यात क्या थे? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी जल्दी से कमेंट करके जवाब देंगे, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए, चरक क्या थे, एक सुविख्यात क्या थे, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। ये एक इतिहासकार थे, चिकित्सकविद थे, अर्थशास्त्री थे। क्या थे? जी हाँ, एक चिकित्सक थे। क्या थे? यह एक चिकित्सक थे, एक चिकित्सक थे। और इन्होंने कुषाण राज्य के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। क्या लिखी? चरक संहिता। लिखते चलेगा भैया, चरक संहिता, संहिता लिखा। आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इस ग्रंथ में सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म या उनके उपयोग का भी वर्णन मिलता है। अब अगला प्रश्न नंबर 30 है, सभी लोग बताइएगा कि सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने ईसर आयल लिमिटेड बनाम हेल्थ उत्कर्ष समिति वाद में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सूचना के अधिकार को सम्मिलित किया गया। अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया। वर्तमान में यह एक कानूनी अधिकार है। वर्तमान में यह कैसा अधिकार है? एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। ठीक, समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पे सभी शिक्षक भर्ती की पूरी क्लास आपको मिलेगी, भाषा तीनों, पेपर सेकंड, ये फर्स्ट टॉपिक हो गया, पेपर सेकंड में भाषा, तीनों भाषाएं मिलेंगी आपको, SST मिलेगी, मैथ साइंस सभी आपको मिलेगी, क्लास बाई क्लास। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में आपातकाल की प्रथम उद्घोषणा कब हुई थी? देखिए, अगर हम आपातकाल की बात करें तो आपात 3 प्रकार का है। यहां पे पहला है अनुच्छेद 352, दूसरा है अनुच्छेद 356, तीसरा है
अनुच्छेद 360। यहाँ पे तीन प्रकार के आपातकाल है, जहां पे अगर बाह्य युद्ध आदि के बारे में देखा जाए 352, राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है 356, वित्तीय आपात आज तक कभी नहीं लगा, ये 360 में। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि भारत में आपातकाल की प्रथम उद्घोषणा कब की गई थी और आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है। दूसरा सवाल कि जो आपातकाल है अभी तक सबसे ज्यादा समय तक कहां लगा। ठीक, एक भाई साहब पूछ रहे हैं आपके कितने मार्क हैं भैया, इससे आपसे क्या मतलब, क्या रिश्ता करने का है क्या। गजब है आप, पढ़े कमेंट ऐसा ऐसा फालतू कमेंट ये ही करते हैं यार, लोगों को पढ़ने दीजिए। देखिए आइए इसके बारे में अच्छे से हम लोग समझते हैं। भारत में पहली घोषणा सितंबर 1962 में चीन की युद्ध के समय हुआ था, ठीक है। लेकिन 26 अक्टूबर को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बाह्य आक्रमण के कारण भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 32 आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैथ की भी चलेगी, साइंस चलेगी, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, पेपर फर्स्ट SST सभी क्लासेज चलेंगी। ये सभी क्लासेज आपको 15 फरवरी से प्रारंभ हो जाएंगी या 15 तारीख से आपकी प्रारंभ हो जाएंगी। देखिए हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अर्ध कुंभ मेला 2019 का आयोजन कहां पर हुआ, ठीक है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जी हाँ, मैं जे गवर्नमेंट टीचर आपको निशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में निशुल्क लाइव पढ़ा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह एक सहायक अध्यापक बनेंगे और मुझसे ऊपर जाएंगे। जी हाँ, मैं जौनपुर जनपद गृह जनपद में सेलेक्टेड हूँ, मुझे 4 महीने हो गए लगभग ज्वाइन किए। देखिए इस विश्व का सांस्कृतिक धार्मिक अर्ध कुंभ मेला 2019 कहाँ पर आयोजित किया गया, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, पेपर देने जाने जानते रहिएगा प्रयागराज में। अर्धकुंभ मेला 6 साल के अंतराल पर लगता है, लेकिन जो कुंभ मेला है वो 4 वर्षों के अंतराल पर लगता है, ठीक है। कितने वर्ष पे, 4 वर्षों पर, 12 वर्षों पर लगता है, 4 बार, 12 वर्ष के अंतराल पर 4 बार लगता है। कहाँ कहाँ लगता है आपको पता है, पहला प्रयागराज, पहला कहाँ लगता है प्रयागराज, किस नदी किनारे कॉमेंट करके बताइएगा। दूसरा हरिद्वार, किस नदी किनारे कॉमेंट करके बताइएगा, सब लोग कमेंट करते रहिएगा क्योंकि सिलेक्शन वाली क्लास है, हरिद्वार। तीसरा उज्जैन, उज्जैन। चौथा कुंभ कहां लगता है, नासिक। उज्जैन किस नदी किनारे, नासिक में किस नदी किनारे, हरिद्वार में किस नदी किनारे, प्रयागराज में किस नदी किनारे, सभी लोग जवाब दीजिएगा। ये 12 वर्षों के अंतराल पर 4 जगह लगते हैं, ठीक है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर, हरिद्वार गंगा नदी जहां पर मैंने ऊपर आपको बताया कौन सी नदी, दो नदियों के मिलन पर मैंने आपको बताया, फिर उज्जैन में, उज्जैन, फिर नासिक में, बताइए कमेंट करके। उज्जैन, सिप्रा, नासिक, गोदावरी नदी किनारे, ये 4 हैं प्रमुख। ये दानव देवताओं के बीच युद्ध के दौरान कलश की अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी की 4 जगह पर गिरी थी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन। यहीं पर प्रत्येक पर हम महाकुंभ और 6 वर्ष के अर्धकुंभ का आयोजन होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 33 की तरफ हम आ गए हैं, ध्यान से एकदम पढ़िएगा क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, पर अब की बार एक सीट हमार कर हर हर मैदान फतह। 9:30 बजे अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा, कुछ भी हो जाए ये क्लास तब तक बंद नहीं होगी जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, अभी इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी बातें पढ़ी थी, बताइए जल्दी से। आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी कॉपी कलम पर नोट लिखा करिए सभी साथी। देखिए यहां पर होगा अहमदाबाद, सॉरी 1975 प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। नरसिम्हम समिति के सुझाव के अनुसार 2 अक्टूबर यहां पर लिखना चाहें लिख लीजिएगा, 2 अक्टूबर 1975 में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी
राजस्थान जयपुर, पश्चिम बंगाल के मालदा, 5 स्थानों पर किए गए थे। अन्य देश के भागों में इसका विस्तार किया गया आगे चलकर। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 34, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फेरी वाली समिति की अनुशंसा पर 1992 में की गई थी। 1992 किसके? फेरी वाली, ध्यान से लिखना चाहिए लिख लीजिएगा, फेरवानी समिति की अनुशंसा पर 1992 में की गई थी। सेबी क्या है कमेंट करके बताइएगा, और सेबी का फुल फॉर्म अगर आप सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं जूनियर में तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है यार, आप लोग जितने लोग लाइव हैं उतने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, आपके पैसे नहीं कटते पता है। लाइक करने के बाद अगर कोई वीडियो बाद में देखेगा वो सोचेगा दुर्गेश सर ने अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, चलिए आइए, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? प्रश्न नंबर 35। देखिए पहली बात आपको पता होना चाहिए, सोयाबीन जमीन से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन लेता है। जो पेड़ पौधे जमीन से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन लेंगे वो हमें क्या देते हैं? वो हमें प्रोटीन देते हैं। वो हमें क्या देते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है कमेंट करके बताइएगा। प्रोटीन से मसल्स का निर्माण होता है, इसलिए जिम ज्वाइन करने के बाद सब लोग प्रोटीन लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब। ठीक है, अब बताइएगा सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां पर होता है? एकदम आसान प्रश्न है कि भारत में सोयाबीन का सबसे उत्पादक सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है। जी हाँ, मध्य प्रदेश है, यह दलहनी फसल है। और विश्व में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक पूरे दुनिया में अगर पूछता तो कौन है? यूएसए है, अमेरिका है। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा यूएसए है, ब्राजील दूसरे पर है, लेकिन भारत जो है दुनिया में भारत पांचवें पर है। भारत कहां पर है? पांचवें पर, लेकिन राज्य में पहला मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब जरा कमेंट करके बताइएगा कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है और प्रोटीन से मसल्स का निर्माण होता है। क्या आपको लग रहा है मैं सही पढ़ा रहा हूं? तो यार शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में शेयर करिएगा, स्टेटस पे जगह दीजिएगा, एक हफ्ते मेरी क्लास पढ़िएगा, यकीन मानिए फैन हो जाएंगे जीएस के। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36 एकदम इंपॉर्टेंट है, बैरोमीटर। एक बात मैं आपको बताऊं, शायद आपको एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा, जब बैरोमीटर ऊपर तो थर्मामीटर नीचे, जब थर्मामीटर ऊपर तो बैरोमीटर नीचे, माने थर्मामीटर और बैरोमीटर एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, तो बैरोमीटर का पठन तूफानी मौसम, ये वायुदाब के लिए होता है, इसे मिलीबार कहते हैं ना, ये बात याद रखिए, एनसीईआरटी का अच्छा साथ में भी आपको मिल जाएगा। अगला है, लिंबा राम किस खेल से जुड़े हुए हैं? प्रश्न नंबर 37, लिंबा राम किस खेल से जुड़े हुए हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप लोग। देखिए लिंबा राम अगर बात करें तो ये तीरंदाजी से जुड़े हुए, किससे? तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। ये 3 बार ओलंपिक में प्रतिभाग कर चुके हैं, 1992 बीजिंग में स्वर्ण पदक, 1991 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। अगला है प्रश्न नंबर 38, पीसो मुद्रा कहाँ की है? जल्दी से बताइएगा। देखिए ओमान की क्या है? रियाल है, ओमान की रियाल है। ताइवान की डॉलर है, जापान की एन है, और फिलीपींस की पीसो है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर? कोई डाउट, कोई समस्या हो तो जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक, जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना जल्दी से कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, मैंने चारों विकल्प की व्याख्या की, ऐसे यूट्यूबर आपको बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मैं स्वयं गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद अनुभव किया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए मैं आपको अपने समय में से, बचे हुए समय में से प्रतिदिन का समय निकालकर आपके लिए क्वेश्चन बैंक तैयार करता हूं, ताकि आप भी सिलेक्शन लें और जूनियर शिक्षक में बनकर अपने माँ बाप अपने परिवार का नाम रोशन करें। बहुत सारे इसमें सरकारी शिक्षक भी पढ़ रहे होंगे जो प्रमोशन 20 साल के बाद की प्रमोशन आज ही पढ़कर लेना चाहेंगे, उन सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस यंत्र का प्रयोग करके भूकंप की तीव्रता मापते हैं? भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, भूकंप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। भूकंप मापने का यंत्र क्या है?
कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर चार आपके विकल्प हैं, तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं और सभी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। फैदोमीटर क्या है? इस समुद्र की गहराई मापता है। समुद्र की गहराई। डायनेमोमीटर क्या होता है? सभी लोग फटाक से कमेंट करके बताइएगा कि डायनेमोमीटर किसका है। इसका होगा सिस्मोग्राफ। यहाँ पे दो होता है। देखिए सिस्मोग्राफ से क्या होता है, भूकंपी तरंगे, भूकंपी तरंगे। लेकिन अगर तीव्रता कह देगा तो रिएक्टर स्केल होता है, रिएक्टर स्केल। वैसे यहां पर प्रश्न का विकल्प नहीं दिया गया है इसलिए हम इसको बी को ही मान लेंगे। वैसे दोनों में डिफरेंस जानते रहिएगा, तीव्रता रिएक्टर स्केल और तरंगे सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? आगे बढ़े भैया, सिलेक्शन के लिए देश हित में राष्ट्र हित में क्लास आपके लिए चलती है। हाँ नहीं, ऑनलाइन के लिए आप लोग इस नंबर पर जोड़ सकते हैं 6306344367 पर व्हाट्सएप करके। ये जौनपुर जनपद से आपके लिए लाइव चलती है, देश हित में राष्ट्र हित में ये क्लास निःशुल्क है मेरे तरफ से। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश पर। अगला, किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना महत्वपूर्ण है? देखिए वैसे पूरे वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे प्रमुख गैस है, जिम्मेदार है। लेकिन किसको जलाने से यह निकलता है, जरा कमेंट करके बताइएगा। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइए कमेंट करके सभी साथी। देखिए यहां पर एकदम आसान प्रश्न है, हीरा शुद्ध क्रिस्टली है जिसमें कार्बन की उपस्थिति होती है और जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। हीरा शुद्ध क्रिस्टली कार्बन है जिसे O2 की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शीर्ष का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला, अब हम रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। आपके सिलेबस में रीजनिंग भी है, शायद आपको ज्ञात होगा। समसामयिकी भी है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भारतीय संविधान, उसके साथ साथ सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश स्पेशल, इन सभी का जुड़ाव है। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर चलती है। बाकी अन्य क्लास की टाइमिंग टेलीग्राम पर है। 5 बजे भूगोल चलती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। यदि पाई का अर्थ घटाओ और एंड का अर्थ भाग, इसका अर्थ जोड़ हो, आइए ध्यान से देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। यहाँ पे तो यहाँ पर ये इनका अर्थ भाग है, या भाग का चिन्ह लगाइएगा। इसका हैच का यहाँ पे माइनस का होगा। एट द रेट का अर्थ है जोड़ और प्रतिशत का अर्थ है गुणा। इसी को हल करिए। तो देखिए 5 का यहाँ पे ध्यान से मैं लिख देता हूँ, 505 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 प्लस 20 × 5। इसी को हमें और आपको हल करके उत्तर तक पहुँचना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, बताइए सभी लोग। ये इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 101 माइनस ये 205 का गुणा कर देंगे तो 2×5 = 10, तो माइनस 5 है ना, -4 हो गया, 4×2×5 = 10, 100। तो 100 101 जोड़ेंगे, 201 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 197। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। इतने लोगों ने 41 का बी लगाया था, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही थे। क्या सभी के उत्तर बी आए हैं? क्या किसी को कोई डाउट हो रहा है? हाँ, फेसबुक पेज ई लर्निंग पे दुर्गेश है, मेरी व्यक्तिगत आईडी इंस्टाग्राम पे दुर्गेश सर है, वहाँ पे अपने सवाल पूछ लीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। थोड़े से बड़े सवाल है, आजकल ऐसे सवाल बड़ा ट्रेंडिंग में है, आप लोग भी ने ध्यान से देखा होगा। नीचे दिए गए तर्क फर्स्ट कथन के बाद तर्क फर्स्ट और सेकेंड है, आपको तय करना है कौन सा ठोस है और कौन सा निर्बल है। ये नए तरह के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में बड़ा ट्रेंडिंग होते हैं, तो जरा आप भी बताइए इन ट्रेंडों को। तो क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? इसके तर्क क्या क्या हैं? ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं। नहीं, किसी एक को मौके पर निर्णय लेने होते हैं और वहाँ इतने समय नहीं होता कि मैदान पर हर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार होने पर उन्हें सुलझाया जाए। हाँ, निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्कों का होना हमेशा बेहतर होता है। जरा आप बताइएगा इसमें कौन सा तर्क सबसे ज्यादा ठोस है, कौन सा तर्क आपके हिसाब से ठोस है, बताइए। जो लोग इसे देख रहे हैं कमेंट जरूर करेंगे।
जवाब कमेंट का मतलब आपका जवाब होता है, जवाब जरूर दें। यहां पर केवल ठोस ये है, ये नहीं, ठीक। इसीलिए कप्तान हमेशा एक होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ए राइट आंसर है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुछ लोग कहें सर 1 घंटा ज्यादा भी क्लास होती है, 50 प्रश्न होते, मैं विस्तृत व्याख्या भी तो करता हूं। अगला, यहां पर भी कथन और कारण दिए हैं, आपको बताना है। कथन पढ़िए और कारण का जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। अत्यधिक फीस वृद्धि के विरोध में स्थानीय पब्लिक स्कूल के अधिकांश विद्यार्थियों ने माता पिता स्कूल से अपने प्रतिपालियों को निकाल लेने का निर्णय लिया, कार्यवाहियां, ठीक है। स्कूल प्राधिकरण को विद्यार्थियों के माता पिता के बीच बातचीत शुरू करनी चाहिए और किन परिस्थितियों में फीस बढ़ानी पड़ी इसे समझना चाहिए। जिसको साफ नहीं दिख रहा है, 3 डॉट विंडो पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, वीडियो एकदम HD क्वालिटी में चलेगा, ठीक। वाइस कैप्टन कैप्टन की अनुपस्थिति में अपने दायित्व का निर्वहन करता है। जिसको साफ नहीं दिख रहा है वो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, एकदम HD में चलेगा। यदि स्कूल में बड़ी संख्या विद्यार्थियों को निकाल दिया जाता है तो स्कूल प्राधिकरण तत्काल रिक्तियों को भरने के लिए नए अध्यादेश खोज करनी चाहिए, इसमें क्या होगा बताइए। सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा सभी साथी, ठीक। चलिए यहां पर क्या होना चाहिए, हमें ध्यान से देखना चाहिए, केवल एक अनुसरण करता है। हमें क्या करना चाहिए, पहले बच्चों के अभिभावक से बात करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में फीस वृद्धि की गई, इस पर हमें बात करना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते लोग घबरा जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो लोगों को दिक्कत होती है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर ए राइट आंसर होगा। हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत कोई समस्या तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप जैसे ही लोग तो सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं। अगला, ध्यान से देखिएगा, घड़ी, घड़ी भी आपके सिलेबस में है और आपके पाठ्यक्रम में है। अपने ध्यान से अगर अपना पाठ्यक्रम पढ़ा होगा तो घड़ी है, क्लॉक और कैलेंडर है। तो हम भी भैया आपका सिलेक्शन है दिलाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो भाई इस पर तो चर्चा करेंगे ही ना कि 5:15 पर घड़ी की सुई आपस में कितने अंश का कोण बनाती है, इसका तरीका क्या है, जल्दी से बताइएगा। यहां पर 5:15 कितने अंश का कोण बनेगा बताइए सभी लोग। इसका कई सूत्र होता है, कई तरीका होता है, ठीक, लेकिन आप बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसको हल करने का मेरा तरीका क्या है, मैं अपना तरीका आपको बता रहा हूं, समझिएगा, मैं पूरा पहले लिख दे रहा हूं ना, एकदम आसान तरीका मेरा भी है। यहां पर हो गया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये समय जो हो रहा है आपका वो हो रहा है 5:15, इनके बीच में कितना गैप है, 1, 2, कितना 2 गैप है, इसके पीछे 30 अंश का कोण होता है, तो 30 × 2 = 60 अंश। तो जब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब ये मिनट की सुई यहां 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 आई, 15 मिनट की दूरी तय की, तो प्रत्येक घंटे की सुई क्या हुआ, तो घंटे की सुई क्या होगी, दाएं तरफ भागेगी, तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है, तो कितना दूरी और तय करेगी, 7 / 1/2 डिग्री, तो 67 / 1/2 डिग्री होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी इसका सही जवाब, मेरे हिसाब से जैसे मैं जो पढ़ाता हूँ, इसके बीच में जो तरीका है हल करने का, जो पढ़ाने का, मैं सबका अपना अपना होता है, तो मैंने कैसे पढ़ाया, अपने तरीके से आपको पढ़ाया। अगर आपको मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी महीने के 3 तारीख को सोमवार पड़ता है, मैं अच्छे से व्याख्या करूंगा, ठीक, तो आप कहेंगे तो मैं लास्ट में दोबारा पढ़ा दूंगा। तो उस महीने में 21 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार पड़ता है ना, 3 तारीख को सोमवार है, 3 को सोमवार है, 2 को रविवार है, 1 को शनिवार है, क्लियर, 21 तारीख से 3 दिन बाद, तो भैया 1 तारीख को शनिवार होगा, इसलिए उस महीने की 22 तारीख को शनिवार हो, कैसे, 21 को 7 से भाग देंगे 0 आ जाएगा, तो 22, देखिए 21 को भाग देंगे 0, क्योंकि 1 तारीख को शनिवार है, तो फिर 8 तारीख को शनिवार, 15 तारीख को, फिर 22 तारीख को शनिवार होगा, फिर 22 को शनिवार होगा,
कह रहा है 21 तारीख से 3 दिन बाद, तो 21 तारीख के 3 दिन बाद क्या होगा, 21 + 3 = 24 होगा, 21 + 3 = 24, 24 तारीख कौन होगा, 22 को शनिवार, 23 को रविवार, फिर 24 को क्या होगा, सोमवार होगा, 24 को क्या होगा, सोमवार पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी सोमवार होगा। सबको समझ में आ रहा है ना, अगर आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हाँ, घड़ी में ऐसा पढ़ूंगा कि कभी भूलेगा नहीं, एक लाइन में उत्तर बताएंगे, घड़ी कैलेंडर सब। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, इस प्रश्न को मैं एक लाइन में पढ़ाऊं, देखिए 3 तारीख को सोमवार है, 21 तारीख से 3 दिन बाद, तो 21 तारीख से 3 दिन बाद क्या होगा, 24 दिन होगा, तो 24 में से 3 घटा दीजिए, क्योंकि 24 से 3 घटाएंगे 21, 21 को 7 से भाग दीजिए, कितना आएगा 0। तो अगर इस दिन सोमवार था तो इसका उत्तर सोमवार ही होगा। एक छोटा सा ट्रिक है जो आगे हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका कथन कारक का है, ध्यान से देखिएगा, कथन कारक प्रश्न नंबर 46। कोई भी नौजवान जो शादी के लिए दहेज की एक शर्त बनाता है, वो अपने बड़प्पन को समाप्त करता है तथा स्त्री जाति का अपमान करता है, निष्कर्ष आप लोग बताइए, निष्कर्ष बताइएगा 46 का। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करिएगा। पेपर एकदम ऐसे ही आएगा आपकी परीक्षा में, जैसे मैंने आपको व्याख्या करके पढ़ाया। अगर यहां प्रश्न में जितना स्कोर कर रहे हैं वहीं आप ओरिजिनल परीक्षा में स्कोर करेंगे। बताइए क्या होगा, देखिए यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा 46 का। जो भी शादी दहेज लेते हैं उनकी समाज द्वारा भत्सना की जानी चाहिए, सही बात। जो शादी दहेज नहीं लेते वे स्त्री जाति का सम्मान करते हैं, इसलिए इसका निष्कर्ष एक और बी दोनों निकलता है। क्या इस तरह के प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, कि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, कल सब लोग 9:30 बजे लाइव रहेंगे ना, आप लोग को बताना नहीं पड़ेगा ना। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है, यहां पर कथन निष्कर्ष दिया गया है, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि यक्ष जो है वाई से बड़ा है, और वाई या तो जेड से बड़ा है या तो बराबर है, और जेड भी के बराबर है, और भी से बड़ा डब्लू है। निष्कर्ष एक कह रहा है वाई जो है भी से बड़ा है, वाई भी से बड़ा, वाई देखिए यक्ष यक्ष से छोटा है, यहां पर देखिए वाई जो है यक्ष से छोटा है, लेकिन अगर भी की बात करें तो देखिए वाई और जेड से बड़ा है तो बराबर है, और जेड जो है भी से बड़ा है। इस प्रकार हमें कह सकते हैं यह निष्कर्ष क्या है, सही है। फिर वाई जो है वी से छोटा है, तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर एक बात हमें समझ में आता है कि अगर इन दोनों में देखा जाए बराबर है या तो छोटा है, यहां पर एक, इसलिए यहां पर एक बात स्पष्ट नहीं हो पा रही कौन सही है, इसलिए या तो न तो एक सत्य है और न तो दो सत्य है, इसका उत्तर सी है। यदि या तो निष्कर्ष एक निकलता है या तो दो, दोनों साथ नहीं निकाला जा सकते, मतलब इसका या तो ये सही है या तो ये सही है, क्योंकि यहां पे बड़ा या बराबर का चिन्ह लगा दिया है, मतलब या तो बड़ा है या तो बराबर है, इस दशा में ठीक या तो एक होगा या तो बी, ठीक है। अब 48 है आपके सामने, 48 क्या कह रहा है, 40 विद्यार्थियों में एक कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, ऊपर से उसका क्रमांक क्या होगा, एकदम आसान प्रश्न है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सभी लोग जरा कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ गया। देखिए 40 विद्यार्थी कक्षा में, ये 40 विद्यार्थी हैं, इनमें से 19 विद्यार्थी निकाल देंगे और प्लस एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22, तो राजू का जो क्रमांक होगा वो आपका 22वां होगा, क्या होगा 22वां होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 49 आपके सामने है, अब ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा,
वैसे हम लोग इसको पहले हल कर लेते हैं। यहाँ पर एक कह रहा है कि उत्तर क्यों मुंह करके सीधी रेखा में बैठे पी क्यू आर एस टी में से रेखा के ठीक बीच में कौन बैठा है। आइए कथन को फर्स्ट सेकंड को हल करते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड को हल करते हैं। कह रहा है कथन एक, एस जो है, एस क्योंकि बाएं तीसरे स्थान पर है, एस जो है यस यहां पर है मान लीजिए, क्योंकि बाएं क्यों यहां पर है तो तीसरे स्थान पर है, एक दो तीसरे स्थान पर है। एस पी व टी, एस जो है पी व टी दोनों के बगल में है, मतलब पी यहां भी हो सकता है, पी यहां भी हो सकता है, टी यहां भी हो सकता है और टी यहां भी हो सकता है। बचा कौन? आर। तो आर यहां पर होगा, क्लियर। यहां पर आर जो आर का डिक्लेयर हो गया, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं, अंत में सारे प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। यहां पे देखिएगा टी व आर के बीच दो लोग बैठे हैं, टी व आर के बीच मतलब यहां पे अगर हमने टी लिखा, यहां पे मैंने आर लिखा, इसके बीच में दो लोग हैं। आर किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, मतलब आर अंतिम छोर पर नहीं, तो यहां भी एक लोग और खाली है या दो लोग भी खाली, क्योंकि टोटल कई लोग को बैठाना है, तीन एक चार लोग को बैठाना है, पांच लोग को। पी टी के दाएं दूसरे स्थान पर, पी जो है टी के दाएं दूसरे स्थान पर है, पी टी के दाएं, पी जो है टी के ठीक दाएं पर है, दूसरे स्थान पर कैसे बैठाएंगे? तो पी जो है टी के दाएं, एक दो तीन, तो यहां पर क्या है, पी टी के ठीक दाएं दूसरे स्थान पर, अरे दूसरे दूसरे स्थान पर यहां पर होगा, ठीक है। चलिए अब आइए यहां पर इसको हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। सब लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पर यदि कथन एक में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन दो में दिया गया डाटा प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक। फिर कह रहा है यदि केवल दो में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन एक में दिया गया डाटा प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो यहां पर देखा जाए कथन में कि रेखा के ठीक बीच में कौन बैठा है, यहां पे पूछा रहा है कि पी क्यू आर एस टी में से रेखा के ठीक बीच में कौन बैठा है, रेखा के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो यहां पे देख रहे पी बैठा है, कौन बैठा है, पी, एक दो इधर है, दो इधर है, ठीक बीच में बैठा है कौन, पी बैठा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बी होगा। मैंने कथन दो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि बीचों बीच कौन बैठा है बस यही बताना था, ठीक है। इसके बीचों बीच कौन था तो केवल पी है, इसलिए इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक। समझ में आ गया आप लोग को, क्योंकि पहला स्पष्ट नहीं हो रहा है, दूसरा एकदम पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। यह आज का आखिरी प्रश्न, इसी के साथ आज की क्लास यहां पर आपकी खत्म हो जाएगी। डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास या नोट के संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर, क्योंकि हम एज ए गेस्ट के रूप में ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क आपको अपने बचे हुए समय में आपके अध्ययन अध्यापन करने के लिए मैं लाइव आता हूँ। सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, इसकी पीडीएफ, जहाँ पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं। अब की बार एक सीट हमार 9:30 बजे सभी लोग जीएस फर्स्ट पेपर की सीरीज में लाइव आ सकते हैं, जहाँ पे सामान्य अध्ययन, जीएस, रीजनिंग सभी सेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ आपके परीक्षा के पाठ्यक्रम में दिया गया है। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। अब है ऊर्जा का वाट है एसआई मात्रक, उसी प्रकार कार्य का जूल होगा एसआई मात्रक में। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी होगा। अब इस प्रश्न को सभी को शेयर जरूर करिएगा, एक ही मैसेज को बार बार मत टाइप करिएगा, एक बार टाइप करेंगे पढ़ लेंगे, बाकी के भी प्रश्न का जवाब दे देंगे। अपने ये नहीं बताया सर पिछली क्लास में, इसलिए पूछा कि जूनियर वैकेंसी में, पढ़ने दीजिए यार, बार बार टाइप करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, मैं जवाब भी नहीं दूंगा। बीबीए और बीकॉम वाले की किस ग्रुप में आएंगे, साइंस, सोशल या मैथ? देखिए ऐसे आपने जब टेट या सीटेट पार किया होगा जूनियर का, तो किस ग्रुप में आपने आवेदन किया था? आप पढ़े लिखे मास्टर बनने जा रहे हैं तो पहले आप ये बताइए, आपने बीटीसी या बीएड किया था तो किस ग्रुप से किया था? तो आपने कहेंगे सर आपका उत्तर जो होगा वो आर्ट ग्रुप होगा,
बीएड अगर होंगे तो कॉमर्स ग्रुप में होंगे, लेकिन ये सारे लोग आर्ट के ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। बस समाप्त हो गया। चलिए, हमें समझाना था इसलिए मुझे लगा आपको बताना पड़ेगा अच्छे से। ये 50 प्रश्न यही आपके सिलेक्शन का आधार होंगे। कितने लोग कल की क्लास में पुनः लाइव रहेंगे? ठीक, एनसीईआरटी कहाँ, एनसीईआरटी कौन सी? अच्छा, एनसीईआरटी या एससीईआरटी दोनों एक ही जैसी बुक है, मैंने इस पर पूरी चर्चा की थी, इसलिए आप दोनों में किसी एक बुक को ही पढ़िएगा, दोनों एक जैसी हो गई है। रीड के बाद सुपर टीट नहीं, रीड केवल होता है, रीड की भी क्लास इलेवन पर दुर्गेश पर चल रही है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथी मित्रों तक। हाँ चलिए, 10 फरवरी दिवस एक गलत हो गया तो कोई बात नहीं। चलिए, और कोई सवाल? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस स्ट्रीम से आपने टेट सीटेट क्वालिफाई, उसी स्ट्रीम से आपको आगे जाना होगा, जिस स्ट्रीम से आपने प्रशिक्षण लिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी भी क्लास के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्यक्तिगत पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बुक के लिए मैं कल फिर लाइव आऊंगा, आपको बता दूंगा। चलिए, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। चलिए, इसके बाद चर्चा करेंगे क्योंकि क्लास खत्म हो गया, बाद में कोई देखेगा तो कहेगा बहुत लंबी वीडियो है। हम इसके लिए आप लोग मुझे मैसेज कर दिया करें मेरे व्यक्तिगत नंबर पर, मैं आपको वहाँ पे बताऊँ, मेरे फेसबुक पर भी कर सकते हैं। बाकी 18 तारीख का जीओ आएगा तभी स्पष्ट होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है, बाय बाय। तो जो सोशल साइंस से किया था सोशल साइंस से ही करना होगा भैया ना, आप तो इतने समझदार हैं। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते खेत में नहीं, अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय। चलिए, बुक की चर्चा हम लोग दोबारा कर लेंगे कल, बुक दिखाकर भी आपको।